लेट्स सॉल्व अनदर प्रॉब्लम। इसमें हमें क्या गिवन है, 64 मल्टीप्लाई 16 की पावर माइनस 3x इज इक्वल टू 16 की पावर माइनस 3x माइनस 2। 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर फोर क्यूब मल्टीप्लाई, इसको लिख सकते हैं हम 4 क्यूब, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3x इक्वल्स टू 4 की पावर स्क्वायर 3x माइनस 2। ठीक है, अब क्या होंगे, जब बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 4 की पावर 3, 4 की पावर माइनस 6x इज इक्वल्स टू 4 की पावर 6x माइनस 4। क्लियर, यहाँ बन जाएगा हमारा 4 की पावर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4 की पावर 6x माइनस 4। बेस सेम है तो क्या होंगी, हट जाएंगी, क्या बचेगा हमारा, माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6x माइनस 4। ठीक है, अब मैं x को उधर फॉरवर्ड कर देता हूँ तो क्या बन जाएगा, 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 12x, x इज इक्वल्स टू 12/7, x इज इक्वल्स टू 12/7। सॉल्व करके देखते हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल बेबी प्ले स्कूल, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ आवर चैनल।